सटके किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला ब्रोकली सब्जी। ये एक ब्रोकली है, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और दो बड़े बड़े आलू छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये दो बड़े प्याज और एक इंच अदरक का टुकड़ा और लहसुन का टुकड़ा और ये दो बादाम, ये जीरा है हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून धनिया जीरा पाउडर है, ये हाफ टी स्पून सौंफ पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये तीखा लाल मिर्च है, ये काली मिर्च है। अब सबको हमने मिक्सी जार में डाल लेना है। डाल के और ये थोड़ा सा प्याज, आधा प्याज इसमें पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के और इसको चला लेना। दो टमाटर प्यूरी हमने बना के रख लिया। गैस को ऑन किया, इस पर फ्राई पैन बैठा दिया। अभी तेल गरम हो जाए तो इसमें ब्रोकली डाल के थोड़ी देर भून लेंगे। अभी हमारा तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम ब्रोकली डालेंगे। और भूनेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है। अब देखिए ये हमारे ब्रोकली भूनके तैयार हो गया। इसको हम प्लेट में थोड़ा तेल और डाल के आलू फ्राई करेंगे। हम हल्का से नमक डाल देंगे ताकि आलू हमारे जल्दी से पक जाएगा। जब तक हमारी आलू भुन रही है तब तक हम मसाला रेडी कर रहे हैं। कढ़ाई में सरसों तेल हमने डाल दिया, इसमें हम एक चुटकी हींग डाल देंगे और दो तेज पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा और जीरा। जीरा जब चिटक जाए तब इसमें हमको प्याज डालना। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लेना। हमारी प्याज भून चुकी है, अब इसमें हम सारे मसाले
थोड़ा सा एक चम्मच देसी घी डाल दें। स्वाद अनुसार नमक, वन टीस्पून गरम मसाला ऐड करना। अब ये मसाला हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें हम ब्रोकली आलू डाल देंगे। इतना अच्छा देखने में लग रहा है। इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। ऐड कर दिए। अब इसको ढक देंगे, थोड़ी देर पकने का इंतजार करेंगे। ये हमारा ब्रोकली का सब्जी बनके तैयार हो गया मसालेदार। अब इसमें मैं धनिया पत्ती ऐड करने जा रही हूँ। हम इसको इस कांच वाले बाउल में सर्व करेंगे। ये बनके तैयार हो गया। और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।